आलम भाई, ये बताइए मुझे, आप पैरा स्विमर जो अभी आपको कैसे बने, इसकी किसके बारे में हमें बताइए, क्या हुआ था आपकी लाइफ में और कैसे बने आप पैरा स्विमर? मेरी जो 2010 में डिसेबिलिटी हो गई और आफ्टर एक्सीडेंट के बाद से डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आप चूंकि स्विमिंग जानते हैं तो स्विमिंग कीजिए, स्विमिंग आपको रिहेबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इस तरीके से पहले तो मैं फिजियोथेरेपी के लिए मैंने स्टार्ट किया ये, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो एक पैशन था मेरा, चूंकि मैं डिसेबिलिटी से पहले भी एक इंटरनेशनल कराटे प्लेयर था, तो वो जो कहते हैं ना कि आपके अंदर जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो कभी मरता नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता है, तो वो चीज़ थी कि मैं जो अपने मुल्क का नाम रोशन उस वक्त नहीं कर पाया, वो चीज़ें अब डिसेबिलिटी के बाद स्विमिंग के ज़रिए मैंने करना चाहा और उसी वजह से स्विमिंग स्टार्ट हो गई। तो अभी तक आपने क्या क्या अचीव किया है एज अ स्विमर? अभी तक मेरे पास नेशनल चैम्पियनशिप में 18 से ज़्यादा गोल्ड मेडल है मेरे पास, उसके बाद इंटरनेशनल मेरे पास 4 गोल्ड है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। मैंने कई एक मुल्कों में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, लंदन, जर्मनी, कनाडा, उसके बाद अभी मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट जो आपको बोल सकता हूँ वो ये है कि 2018 का जो एशियन पैरा गेम्स हुआ था इंडोनेशिया में, वहाँ पे मैंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया और मैंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक S5 कैटेगरी में, SB4 कैटेगरी में 4th नंबर पे मैंने फिनिश किया वहाँ पे। हालांकि मैं मेडल से वहाँ पे चूक गया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि फिर अब मैं इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे लोगों का सपोर्ट मिला और स्पॉन्सरशिप मिली तो मैं उसके ज़रिए अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग करूँगा और हिंदुस्तान के लिए आने वाले एशियन पैरा गेम्स 2022 में जो चाइना में होने वाला है वहाँ पे मेडल ज़रूर लाऊंगा मैं। तो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस स्टेट से आपने अभी तक जो गेम्स खेलिए, किस स्टेट से खेली? मेरी पैदाइश बिहार में हुई है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मेरी ज़्यादातर जो प्रैक्टिस या मेरा मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो मुंबई के अंदर कटा है। तो अपनी लाइफ के बारे में हमें बताइए, जो आपने रिसेंट कहा कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो कैसे हुआ था, आप उसके बारे में हमें बताइए, क्या क्या हुआ था वो? मेरे रीढ़ की हड्डी में एक्चुअली में एक ट्यूमर आ गया था जो कि बिनाइन ट्यूमर था, और जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे चलने में तकलीफ हो रही, तो उन्होंने बताया कि आप MRI कराइए, और MRI की जो रिपोर्ट आई उसमें क्लियर था कि आपके आपको एक ट्यूमर है तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हालांकि मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि लाइक इसके बाद, क्योंकि उस वक्त भी 2010 में मैं कराटे का नेशनल चैंपियन था और एक बहुत ही मजबूत दावेदार था कि एशियन गेम्स जो 2010 में होने वाला था वहाँ पे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अगर नहीं कराएंगे सर्जरी तो आपकी जान जा सकती है, और अगर आप करा लेंगे तो आप फिर से दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उनकी बात मानी और वो ऑपरेशन करा लिया। हालांकि वो ऑपरेशन उन्होंने सक्सेसफुल नहीं किया, उसमें उन्होंने मेरे रीढ़ की हड्डी से सॉफ्ट टिश्यूज़ निकाले और जो चीज़ जो ट्यूमर निकालना था वो नहीं निकाला, उसकी वजह से मेरे सीने के नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो बेजान हो गया, उसमें सेंसेशन और पावर ख़त्म हो गया, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। हालांकि मैं उस वक्त कराटे में फिर मैं रिप्रेजेंट तो नहीं कर पाया अपने देश को, लेकिन अब स्विमिंग में मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुल्क के लिए तमगा लाऊँ मैं। तो आपकी क्या ड्रीम्स है अभी एज अ पैरा स्विमर, कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं? मैं एज अ पैरा स्विमर अब इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाला जो पैरालंपिक्स है 2024 में पेरिस में, वहाँ पे मैं हिंदुस्तान के लिए मेडल लाऊं, और एशियन पैरा गेम्स हो रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी आ रही है जो पुर्तगाल में होने वाली है, तो वहाँ पे मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और वहाँ पे मेडल लाना चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए। तो जब आपके साथ ये हादसा हुआ, आपको लगता था कि अब मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा और स्पोर्ट्स में मैं फिर से अपना जो